अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके साथ एक और देसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये रेसिपी है मुगलाई चिकन हांडी की। रेस्टोरेंट स्टाइल में आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। इसका फ्लेवर बहुत रिच और बहुत क्रीमी आता है। आप इसको दावत में बना सकते हैं। ईद के लिए ये बेस्ट रेसिपी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस रेसिपी को। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है बोनलेस चिकन 500 ग्राम और इसको बाइट साइज़ के क्यूब्स में मैंने काटा हुआ है। और ये मैंने थाई का इस्तेमाल किया है। आप भी कोशिश करें कि आप ब्रेस्ट का ना लें, वो ड्राई हो जाता है। कुटी हुई काली मिर्च मैंने इसमें शामिल की है आधा चाय का चम्मच और नमक भी इसमें मैं डालूँगी आधा चाय का चम्मच। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी लीमू का रस एक खाने का चम्मच। इसकी मैरिनेशन के लिए बस यही तीन चीज़ें इसमें जानी थी। अब आपने इसको एक मरतबा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद अब आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है मैरिनेट होने के लिए। मुगलाई चिकन हांडी है तो इसके लिए बादाम और काजू तो लाजमी जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर छिले हुए बादाम लिए हैं एक खाने का चम्मच और साथ ही मैंने यहाँ पर लिए हैं काजू, ये भी मैंने एक खाने का चम्मच इस्तेमाल किए हैं। अब आपने इनको पानी डालकर या तो आप इनका पेस्ट बना लें या इनका पाउडर बना लें। मैंने ग्राइंडर में डाल के इस तरीके से इनका एक पाउडर सा बना लिया है। पाउडर बना लें या पेस्ट बना लें या आपके ऊपर डिपेंड करता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता रेसिपी पे। तो चलिए अब इसकी कुकिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ऑयल और ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आधा कप। आप चाहें तो आप इसको देसी घी या घी में भी बना सकते हैं क्योंकि ट्रेडिशनल डिश है। ऑयल जब मीडियम फ्लेम पे गर्म हो जाए तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसी हुई प्याज और ये मैंने ली है आधा कप। दो मीडियम साइज़ के प्याज मैंने लिए थे और उनको मैंने छील के उनका पेस्ट बना लिया था। प्याज को डालकर अब मैं इसको भूनना शुरू करूँगी। दो से तीन मिनट तक मैं इसको मीडियम फ्लेम पे यूँ फ्राई करूँगी। प्याज का पानी खुश्क होता जाएगा और इसका कलर भी आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता है। चम्मच में मुसलसल चला रही हूँ। प्याज का कलर जब चेंज हो जाए तो मैं इसमें डालूंगी पिसा हुआ लहसुन एक चाय का चम्मच और साथ ही इसमें जाएगी पिसी हुई अदरक ये भी एक चाय का चम्मच। और ये दोनों चीज़ें डालकर इसको मैं मज़ीद एक से दो मिनट के लिए भून लूंगी ताकि इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मैरिनेट किया हुआ चिकन और ये डालकर मैं इसको इतनी देर तक भूनूंगी जब तक कि इसका ये जो पिंक कलर है ये ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा स्टेज पे आपने इसको नहीं भूनना कि कलर आ जाए, बस इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए, बिल्कुल वाइट हो जाना चाहिए। चिकन ने पानी भी छोड़ दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पिसा हुआ धनिया एक चाय का चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा एक चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका, ये नमक मैं ग्रेवी के लिए डाल रही हूँ क्योंकि चिकन में मैं पहले से डाल चुकी हूँ, हल्दी आधा चाय का चम्मच। साथ ही मैं इसमें डालूंगी पिसी हुई लाल मिर्च, मैंने एक चाय का चम्मच इस्तेमाल की है, आप हस्बे ज़ायका लेंगे। और ये मसाले डालकर मैं इसको भून लूंगी एक से दो मिनट तक ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए इस तरीके से चम्मच से मैं मुसलसल चला रही हूँ और इसको मैंने भून लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टोमेटो प्यूरी और ये मैंने ली है आधा कप। मैंने स्टोर बॉट इस्तेमाल की है, अगर आपके पास नहीं है तो आप टमाटर को उबालकर उसका छिलका उतार कर पीस कर वो डाल सकते हैं। एक से दो मिनट टोमेटो प्यूरी को इसमें मैंने भून लिया है और अब मैं इसमें शामिल करूंगी ये बादाम और काजू का पाउडर और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी दही और ये मैंने लिए है तीन खाने के चम्मच। और ये दोनों चीज़ें डालकर मैं इसको मज़ीद दो से तीन मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर भूनूंगी। बोनलेस चिकन है, बहुत जल्दी ये भुनाई के दौरान ही गल जाता है। एक से दो मिनट इसको भूनने के बाद अब मैं इसमें पानी शामिल करूंगी तकरीबन एक चौथाई कप या जितनी आप ग्रेवी रखना चाहते हैं और ये डालकर एक मरतबा मैं इसको मिक्स कर लूंगी और इसको मैं ढककर एक से दो मिनट के लिए पका लूंगी ताकि अगर चिकन थोड़ी सी कच्ची भी है तो वो पक जाए। ज़्यादा पकाने की आपको ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये ड्राई हो जाएगा। मैंने इसको दो मिनट पकाया था ढककर और अब मैंने ढक्कन उठा लिया है। आँच को अब मैंने हाई पे कर दिया है और अब मैं इसको भूनूंगी हाई फ्लेम पर और इतनी देर तक इसको भूनना है जब तक कि ऑयल साइड पर आ जाए।
ऑयल जब ऊपर आ जाए तो अब मैंने इसमें शामिल किया है पिसा हुआ गरम मसाला एक चाय का चम्मच और कसूरी मेथी ये भी मैंने एक चाय का चम्मच ली है हाथ की मदद से मसल कर मैंने इसमें शामिल कर दी है। ये दोनों मसाले डालकर आप इसको एक मरतबा मिक्स कर लीजिए और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी है, ऑयल साइड पर आ चुका है। अब आखिर में इसके गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पर ली है बारीक कटी हुई अदरक, जूलियन में मैंने काट ली थी एक खाने का चम्मच, और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्चें, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने 3 ली थी, और थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क कर आप इसको सर्व कीजिए। गर्मा गर्म बॉयल राइस के साथ सर्व कर सकते हैं या नान के साथ, और ये आप देख सकते हैं कि कितनी रिच और कितनी ये क्रीमी बनी है, बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आया था। अगर आपको ये ज़बरदस्ती दावत रेसिपी की अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें वीडियो अपडेट्स के लिए, और एक नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।